झुंझुनू की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए स्थायी लोक अदालत में मामला आने के बाद ना केवल यातायात पुलिस बल्कि नगर परिषद भी सक्रिय हो गया और इसी कड़ी में रोड नंबर 1 और रोडवेज डिपो के पास यातायात को सुगम बनाने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस दौरान नगर परिषद की ASI राजीव जानू के नेतृत्व में कई वाहनों को जब्त किया गया तो वही 2 दुकानों के आगे बने अवैध चबूतरों को भी हटाया गया। राजीव जानू ने बताया कि रोडवेज डिपो में पार्किंग शुरू की गई है और साथ ही आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज श्रीमान आयुक्त महोदय और TI साहब की के साथ रोडवेज बस स्टैंड 1 नंबर रोड यहाँ पे यातायात जो बाधित रहता है उसके लिए मोटरसाइकिल वगैरह इनको भी उठा करके और पार्किंग वगैरह में डाली गई हैं। लोगों को समझाइश की गई है। 1-2 दुकान के आगे जो चबूतरे बना रखे थे जिससे आवागमन में बाधा थी उनको हटाया गया है और इस तरीके से उनको चेतावनी दी गई है कि ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, डेली चलेगी और जो आदमी इसका उल्लंघन करेगा, पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करेगा, पार्किंग यहाँ रोडवेज में पार्किंग बना रखी है उसमें निर्धारित स्थान पर अपनी पार्किंग करो और वाहन भी सुरक्षित रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, यातायात में भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस तरीके से चालान वगैरह की कार्रवाई अब देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।